हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो बच्चों, यहाँ पे परिमेय संख्याओं में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं को आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमने आपको पहले फ्रैक्शन बताए थे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शन आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिनको हम अभी यहाँ रैशनल नंबर में यूज करेंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी, ठीक है। एक तो फ्रैक्शन में इसलिए बता रही हूँ कि किसी बच्चे को अगर फ्रैक्शन को नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये नहीं आता है तो वो वहां पर भी आपको काम आएंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड भी मैं आपको बताऊंगी, तो इनमें से जो भी मेथड आपको इजी लगेगा उस मेथड से आप उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर को। तो यहाँ पे हमने आपको कल की क्लास में क्या क्या बताया था कि फ्रैक्शन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन की बात की थी। इसके बाद हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको बताया था, ठीक है। अब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की कि प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने नेगेटिव नंबर्स को भी देखा था कि नेगेटिव वाले जो नंबर होते हैं, जो रैशनल नंबर हैं, उनको भी आप किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ हम प्रीवियस रिविजन के साथ चलेंगे, देन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, ठीक है। 1/4, ठीक है, और आपको इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, ठीक है। 1/4 को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ये कोई रैशनल नंबर है और इसे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये आपका कैसा नंबर है, ठीक है। तो पहले देखिए, ओरिजिन से हम लेते हैं, ये आपका लेट सपोज ओरिजिन है यानी कि 0 है। इधर की तरफ जब आप चलेंगे, 0 से यहाँ की तरफ आप जाएंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 हो जाएगा और आगे भी ये नंबर आपका चलता रहेगा, ठीक है। आप स्केल से इसको इक्वल इसका क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन आप स्केल से प्रॉपर इसका चलेंगे इक्वल डिस्टेंस पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने आपको 1/4, तो हमने आपको क्या कहा, सबसे पहले यहाँ हम क्या देखेंगे, ये आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ये जो नंबर आपका है, ये आपका कैसा फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो नंबर लाइन पे ध्यान देंगे सारे बच्चे जीआईसी अजबपुर से, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि ये जो नंबर है ये आपका नंबर लाइन में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, दोनों नंबर आपके पॉजिटिव के हैं, यानी कि ये आपका नंबर जो है पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, यानी कि नंबर लाइन में ये आपको राइट की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो नंबर 1/4 है ये किन दो नंबर के बीच में आएगा, ठीक है। तो हमने आपको कल ये भी बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है तो 0 point something आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो नंबर है, एक तो ये पॉजिटिव नंबर है, मीन्स 0 से आप राइट की तरफ ये टर्न करेगा, ठीक है, ये राइट की तरफ मूव करेगा। सेकंड, यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमें पता है 0 प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अब बच्चों, हमें इसका डिनोमिनेटर देखना है, हमें इसका डिनोमिनेटर देखना है, ये कितना है, इसका हर देखना है, हर इसका 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 0 और 1 के बीच में 1, 2, 3 और 4, तो देखो 4 पार्ट्स में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी तरह से आप यहाँ भी कर सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4,
एंड 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे कहीं आपका 3 होगा, ठीक है। इधर भी कर सकते हैं हम 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, इसी तरह से आप क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/4, तो देखिए 0, 1/4 इसको आप लिखेंगे क्या, ये आपका 1/4 होगा, ये आपका 2/4, ये आपका 3/4 और ये आपका 4/4। तो एक तो मेथड ये है, आपको क्या करना है फ्रैक्शन को देखना है, ये प्रॉपर है, प्रॉपर है तो 0 और 1 के बीच में आएगा। इसके बाद हमें डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर देखने के बाद हमें क्या करना है 0 और 1 के बीच में उतने पार्ट्स में इस 0 और 1 को क्या करना है, इतने क्या बनाने हैं, इसके पार्ट बना देने हैं। तो देखो हमने यहाँ पे 4 था तो 4 पार्ट्स कर दिए, तो 1/4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है 1/4 का होगा, ठीक है। एक तो आपके पास ये मेथड है, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए मैं आपसे कह रही हूँ 2/5, दूसरा मेथड क्या रहेगा, दूसरा मेथड हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है नीचे देखिए, पहले तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि इसका जो है ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे 0 ले लीजिए आप, ओरिजिन को 0 ले लीजिए, तो ये देखिए दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा यानी कि 0 से राइट की तरफ मूव करेगा। अब हमें क्या देखना है, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे आप कितना है 5, यानी कि 5 और 5, तो हमें क्या करना है 5 इसके इक्वल पार्ट्स करने हैं तब जाके 1 बनता है। तो देखिए 0 और 1 के बीच में आप 5 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और यहाँ पे आपका 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आपका 2 होगा, इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे। और हमें क्या निकालना है 2/5, तो 0 से हम काउंट करना शुरू करेंगे 1 और 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2/5, 2/5। तो दो मेथड हमने आपको बता दिए, कल भी हमने इस प्रॉपर वाल फ्रैक्शन का जो मेथड था वो भी बताया था कि जब आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। तो पहला काम हमें ये होता है कि आपका जो फ्रैक्शन है, जो रैशनल नंबर है, वो कहाँ किस नंबर के बीच में आता है, किन किन नंबर्स के बीच में ये आ रहा है। तो प्रॉपर है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। दूसरा मेथड क्या है, हमें सीधे डिनोमिनेटर देखना है, पहले तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो 0 से वो राइट की तरफ टर्म करेगा और अगर नेगेटिव होगा तो 0 से वो लेफ्ट की तरफ वो नंबर आएगा, ठीक है। फिर हमें डिनोमिनेटर देखना है, तो डिनोमिनेटर में आप क्या करना है, हर यूनिट को हमने, हर यूनिट को हमें 5, अगर यहाँ पे 6 होता तो 0 और 1 के बीच हम क्या कर देते, 6 पार्ट कर देते इसके, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमने दो मेथड पढ़ लिए हैं इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है ये तो हमने बताया था। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो क्या है, जो आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है, और उस नंबर को हमें क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे 7/3, ये कोई नंबर है 7/3। अब यहाँ पे अभी तक तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपके क्या होते हैं, जब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमेशा कहाँ पे आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया है 7/3, ठीक है, 7/3। तो देखो दो मेथड से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है आप इस नंबर को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, आप इस नंबर को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप कैसे करते हैं, डिवाइड कीजिए 3 को 7 को 3 से, ठीक है। तो देखिए 3 2 6 माइनस होगा 1 आएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 होल 1/3, 2 होल 1/3,
तो देखिए 3 2 6 + 1 तो 7/3 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब क्या है, ये 2 तो आपका होल है, इसको बोला जाता है 2 होल, इसको पढ़ा जाता है 2 होल 1/3, यानी कि यहाँ पे 2 तो पूरा पूरा है और उसके बाद आधा उसमें कितना है, 1/3 पार्ट भी है। तो देखिए हमें जब इसको नंबर लाइन में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये नंबर आपका कहाँ पे आएगा, इसका मतलब भी ये होता है 2 + 1/3, और 2 + 1/3 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 होल 2 + 1/3। अब हमें ये पता चल गया है कि ये जो नंबर है ये कहाँ पे आएगा, 2 + something है, तो यानी कि ये नंबर आपका 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। अब नीचे हमें देखना है डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में आपका 3 है, यानी कि आप हर पार्ट को क्या करेंगे, कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट। लेट सपोज यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, तो 1 2 और 3, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 2 3, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3, और ये आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 7/3, ठीक है, 7/3, तो हमने इसको क्या कर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें पता है 2 होल का मतलब क्या है, 2 के बाद 1/3, यानी कि यहाँ पे 1 होगा आपका, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 2 होल 1/3। अब इसको 2 होल 1/3 नहीं लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे आप 7/3, 7/3 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि किन दो नंबर्स के बीच में, ये जो आपका रैशनल नंबर है ये किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को भी करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने मिक्स फ्रैक्शन को भी रैशनल नंबर में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। वैसे भी अगर आप यहाँ से भी इसको काउंट करें तो देखिए 0 से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7/3। तो दूसरा इसका जो मेथड क्या होता है, आप सीधे क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे और यहाँ पर एक नंबर लाइन इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो हर नंबर को आप क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट सपोज यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 0 है, मैं 0 यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद नीचे क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में हर नंबर को, हर यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3, तो इसको थोड़ा सा 3, और यहाँ पे आपका 1 होगा, इसी तरह 1 2 एंड 3, और ये आपका 2 होगा, 1 2 3, और ये आपका 3 होगा, ठीक है। तो हमें अब 0 से काउंट, अब हमें डिनोमिनेटर देखना है, यानी कि 7, तो देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे आपका 7/3 आएगा। तो दो मेथड इसके हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये जो रैशनल नंबर आपको गिवन है ये कहाँ पर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो इससे हमें पता चल गया 2 होल का मतलब है 2 पूरा पूरा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/3, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 + 2 में कुछ एड हो रहा है, यानी कि 2 के बाद आएगा ये नंबर, और समथिंग है तो यहाँ पे क्योंकि डिवाइड में है तो वो 3 से पहले पहले आएगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में ये नंबर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे ही यहाँ पे 1 और 2 को भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम 0 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो मेथड रहेंगे, ठीक है। इस मेथड में हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ये वाला जो मेथड है आपका, जो फर्स्ट वाला मेथड है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हमें पता है 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इसको आप 2 लिख देंगे और यहाँ पे आप 3
थ्री लिख देंगे, तो इसको हम एक्सटेंड कर देंगे बहुत, उसको खोल खोल के लिख लेंगे। अब हमें पता है क्योंकि 1/3 है, तो यहाँ पे इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 1, 2 और 3, ठीक है, इतना भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अब देखिए 1 पार्ट है, तो 1 है तो यहाँ पे आएगा 1/3। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे वो मेथड, और वैसे बेसिकली आपको ये मेथड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो छोटे नंबर हैं, तो हम यहाँ से काउंट करते हुए चल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब आपके पास बहुत बड़े नंबर आते हैं, 22/something आ जाएगा, 25/something आ जाएगा, तब हमें दिक्कत होती है, क्योंकि फिर हमें ओरिजिन से ही हमेशा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़िया ये रहेगा कि हमें जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करें, इससे हमें ये दिक्कत होगी, ये सहूलियत रहेगी कि हम सिर्फ उन दो नंबर के बीच में ही वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने भी पार्ट्स उसके डिनोमिनेटर में है उतने करेंगे, बाकी हमें ओरिजिन से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे नंबर के लिए तो ये ठीक है कि हम ओरिजिन से ही चलें, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी जगह पे यहाँ पे इस तरह से कोई नंबर होता 22/7, ठीक है, तो जो सेकंड वाला मेथड है, अगर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इसको, नंबर लाइन, ठीक है। तो मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक मेथड मैंने आपको क्या कहा, एक मेथड में मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर को आप क्या करेंगे, इसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे हर यूनिट का, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों हमें बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 22 आ गया है, लेकिन इससे बढ़िया हम क्या करें, ये जो दूसरा मेथड है उस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि आप रफ में क्या करेंगे, 7 को 22 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 3 21 माइनस होगा, ये आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पे आपका जो मिक्स फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा, 3 होल 1/7। अब यहाँ से क्या क्या हमें, यहाँ से हमें क्या मिल गया है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो आपका रैशनल है 22/7, वो किन दो नंबर के बीच में आता है, तो कोई बच्चा अगर जिसको समझ में आ गया है तो आप हमें बता सकते हैं कि 22/7 कौन से दो नंबर के बीच में आएगा। चलिए अभी कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी, आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, आपका जो न्यूमरेटर है इसको हम कहते हैं बच्चों न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, यानी कि अंश कहा जाता है, और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। तो जब आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, ये बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो फिर हम कहेंगे ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, ये आपका कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो ये है कि हम हर यूनिट को 7 पार्ट्स में डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पे 22 है, आपको दिक्कत आ सकती है, हम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 को हम क्या कर देंगे, 22 से डिवाइड कर, 22 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमने डिवाइड किया, इसका जो क्वेश्चेंट है उसको हमने यहाँ होल नंबर ले लिया, जो आपका रिमाइंडर था वो हमने इसका न्यूमरेटर बना दिया, और जो इसका डिवाइजर था वो इसका 7 बन गया, ठीक है। पहला काम क्या होगा, इसको ये आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ आपका रिवीजन चल रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने इसको पहले मिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, अब इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/7 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 3 में कुछ जुड़ रहा है, 3 में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से ज्यादा है, ठीक है, 3 के बाद आ रहा है, और कितना आ रहा है वो फ्रैक्शन में है, यानी कि वो 4 से छोटा है, मींस हम समझ गए हैं कि ये जो नंबर आपका है ये आएगा 3 और 4 के बीच में,
तो देखो मैं यहाँ से कर देती हूँ इसको जीरो, और जीरो ना भी करूं मैं यहाँ पे तीन लिख दूं, और मुझे पता है डिनोमिनेटर सेवन है, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और यहाँ पे 4, बस इतना भी मैं इसको कर सकती हूँ। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में ये आएगा। अब कहाँ पे आएगा? 1/7, तो देखो 3 के बाद 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये नंबर आएगा 1/7, 3 होल 1/7। ठीक है, लेकिन आप इसको मिक्स में नहीं लिखेंगे, इसको इम्प्रॉपर में ही लिखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 22/7। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, एक बार और बताती हूँ। चलिए हाथ नीचे कीजिए, देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर है, सपोज मैंने आपको कहा 19/3। ठीक है, ये कोई नंबर है, ध्यान दीजिए 19/3 ये कैसा फ्रैक्शन है? 19/3 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स फ्रैक्शन बताइए? 19/3 कैसा फ्रैक्शन है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए फटाफट से। ध्यान दीजिए किस तरह से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 19/3। यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो आपका जो है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि यहाँ पे जो आपका ये फ्रैक्शन है ये कैसा है? ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हमें क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम 3 को 19 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो देखिए 3 6 18। ठीक है, और माइनस आप करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? 6 होल 1/3। ठीक है, 6 होल 1/3, तो देखिए 6 होल 1/3 को अब हमें क्या करना है? अब इसको हमें कन्वर्ट करना, इसको हमें नंबर लाइन में रखना है, नंबर लाइन में बताना है कि ये आपका कहां पर आएगा। ठीक है, तो 6 होल 1/3 को हम लिख सकते हैं 6 प्लस 1/3, मीन्स अब नंबर लाइन हम बनाएंगे, और हमने यहाँ पे क्लियरली देख लिया है कि ये 6 प्लस समथिंग है, मीन्स कि 6 और 7 के बीच में ये नंबर आएगा, तो हम कुछ और नंबर ना भी लिखें, हम यहाँ पर 6, तो यहाँ अगर आप 0 माने, ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज ये आपका 0 है, ये 1 है, अब कितने पार्ट्स करने हैं इसके? 3, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3, तो 1 आ जाएगा, 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 2 3, ये आपका 3 आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 5, 1 2 3 6, 1 2 and 3, यहाँ पे 7। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है 6 प्लस समथिंग है, तो 1 होल 6 होल 1/3, तो 6 के बाद 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये नंबर आपका आएगा, आपका ये नंबर यहाँ पे आएगा, और इसको आप लिख सकते हैं 19/3। ठीक है, और यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 19/3 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19/3, तो ये नंबर आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पे। तो बच्चों यहाँ पे हमने बेसिकली क्या सीखा है? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, आप फ्रैक्शन तो हम देख रहे हैं लेकिन रैशनल नंबर को ही आप क्या कहते हो? फ्रैक्शन भी कहते हो।
तो आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, मींस कि आप रैशनल नंबर को किस तरह से क्या करते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट हमने जान लिया है, ठीक है। तो रैशनल नंबर बेसिकली आपके फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। हमें फ्रैक्शन नंबर पता होनी चाहिए कि ये आपके प्रॉपर नंबर कहाँ आते हैं। इम्प्रॉपर नंबर को पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी आपके फ्रैक्शन नंबर हैं वो सारे आपके रैशनल नंबर हैं। तो आपको अगर फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आ गया तो आप उसको रैशनल नंबर को भी कर लेंगे इजिली, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर सेम है, ठीक है, उन्हीं का ये दूसरा नाम है, क्योंकि जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।